हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू क्वांट स्टडी मैं मुजस्म अख्तर आपके लिए इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑन जे एंड के कल्चर लेके आया हूँ इससे पहले हमने डिस्क्रिप्शन में जे एंड के कल्चर पर बात की थी और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो यू कैन वॉच दिस दैट वीडियो बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो आंसर द क्वेश्चन ऑफ़ दिस लेक्चर क्योंकि अगर आप इस लेक्चर में जो है आंसर्स देना चाहते हैं आप वो वीडियो देखें पहले उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं या फिर अगर आप पहले ही देखना चाहते हैं तो अभी भी आपको कोई रोकता नहीं है आपको वीडियो को एंड तक देखना है लेकिन क्योंकि ये जो एम सी क्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऑन जे एंड के कल्चर ओके okay, सो so, आज स्टार्ट करते हैं हम आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखता है अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है द सूफियाना कलाम came to टू जे एंड के फ्राम विच कंट्री सूफियाना कलाम जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी कंट्री से आया तो ईरान हमने पढ़ा था ना पिछली वीडियो में तो ईरान इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सॉन्ग इज़ वेरी फेमस अमंग द फार्मर्स ऑफ कश्मीर सो ऑप्शन ए इज़ नींद बैथ ऑप्शन बी इज़ कुद जो है ये जम्मू का जो है ये जम्मू का है ठीक है उसके बाद रिंदा हो ये भी तो ये तो रीसेंटली आया है उसके बाद अशिक चौहान दिस इज़ नॉट राइट सो द राइट आंसर इज़ नेंद बैथ ओके दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस दिस इज़ वेरी फेमस एमंग द फार्मर्स ऑफ कश्मीर ये जो है बहुत ही फेमस है अमंग द फार्मर्स ऑफ फार्मर्स ऑफ कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेस्टिवल ऑफ भद्रवा किश्तवाड़ रीजन इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है वो भद्रवा किश्तवाड़ रीजन का फेस्टिवल है तो द रट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी तिहार तिहार जो है इट इज़ द राइट आंसर इट इज़ सेलिब्रेटेड इन भद्रवा किश्तवाड़ रीजन नेक्स्ट अच्छा पुरान मंडल मेला जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा ये किसके ओकेजन पे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है पुरान मंडल मेला इज़ सेलिब्रेटेड इन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल तो इज़ इट सेलिब्रेटेड ऑन महाशिवरात्रि इज़ इट सेलिब्रेट ऑन बैसाखी इज़ इट सेलिब्रेट ऑन ईदी और Is it celebrated on lohri So the correct answer for this question is option A mahashivratri puran मंडल मेला is celebrated on the occasion of mahashivratri puran मंडल मेला जो है ये mahashivratri के time pe मनाया जाता है Okay। मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला इज़ usually हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बैसाखी ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है मंथ ऑफ बैसाखी में होता है लेकिन किस जगह पे होता है तो ये होता है आपको करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी जम्मू जम्मू में जो है ये सेलिब्रेट uh, किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स इज झिरी मेला सिम्बलाइज इज ऑप्शन ए इज करेज ऑप्शन बी इज ऑनेस्टी ऑप्शन सी इज़ कंपैशन एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ देम ओके सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपको पता है तो यू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू दिस सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ये जो सभी को जो है ये सिंबलाइज करता है कंपैशन ऑनेस्टी एंड करेज सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ये आपको तीनों लिख के रखने हैं कि इन तीनों को जो है जिरी मेला सिंबलाइज करना है करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इज विच फेस्टिवल मार्क्स द वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा विद गॉडेस पार्वती सो विच इज़ द फेस्टिवल अगर आपको पता है यू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज़ पुरान मंडल मेला नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नाट पार्टिसिपेट इन द उर्स और ज़ियारत इन में से कौन सी जो हैं कौन से लोग हैं कौन से रिलिजन के लोग हैं जो उर्स या ज़ियारत में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन में से कौन से वो लोग हैं जो उर्स या जियारत में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अरधे हिंदूज़ अर धे सिख्स सुन्नी मुस्लिम्स और अरधे shia muslims so the correct answer for this question is option d shia muslims they are basically shia muslims who does not participate in urs or ziyarats otherwise all of these participate in urs or ziyarats okay so i hope you got this question next which of the following is the common bakery of kashmir में से जो है कौन सी जो है कॉमन बेकरी है कश्मीर की इज इट कुलचा? इज इट सोचवर? इज इट गिर्द या ऑल ऑफ दीज तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज मतलब कुलच सोचवर, तो गिर्द ऑल ऑफ देम आर करेक्ट ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों जो है अपने नोट करके रखने ये तीनों जो है कॉमन बेकरीज हैं क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में तो याद रखना है नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीर इज इज दैट शर्ट इज दैट कोट इज दैट सलवार कुर्ता और दैट इज फेरन सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फेरन फेरन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीर इज फेरन सो वट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीर मैं उनके लिए बता रहा हूँ दो इन जम्मू दे माइट नॉट बी नोइंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अदरवाइज पीपल इन कश्मीर दे ऑलरेडी नो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन बाखन फोक सॉन्ग इज संग इन विच रीजन तो बाखन फोक सॉन्ग कौन से रीजन में गाया जाता है तो ये गाया जाता है जम्मू रीजन में जैसे ही जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि ये जो है बाखन फोक सॉन्ग जम्मू रीजन का सॉन्ग है तो जम्मू जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज फेमस सॉन्ग इन गुजर वाल्स इज ये भी हमने पढ़ा हुआ है तो क्या वो बैंथे है क्या वो रूफ है क्या वो बखन है क्या वो नन ऑफ दम है तो आपको ये कन्फर्म करना है ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए आपको ये कमेंट्स में बताना है कि क्या ये बैंथे ही या ये बेथ है बी ए आई टी ही आपने बहुत सारे कमेंट्स किए पिछली वीडियो में तो मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ ये एक्चुअल में है क्या इस सॉन्ग को बोलते क्या हैं ठीक है मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक्स पढ़ाता हूँ ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं तुम्बक नारी इज़ अ क्या है ये क्या ये डांस है क्या ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है क्या ये सॉन्ग है क्या ये इनमें से कोई भी नहीं है तो ये एक कश्मीरी जो है कश्मीरी चीज़ है तो कश्मीर के लोगों को ऑब्वियसली पता होगा मतलब obviously बात है कि कश्मीर के लोगों को यह पता ही होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये तुम्बकनारी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको याद रखना जरूरी बन जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पांपोर ऑप्शन ए इज लोसार ऑप्शन बी सैफरान ऑप्शन सी इज तिहार ऑप्शन डी इज नानव टेम सो विच इज द करेक्ट आंसर what do you think can you write it in the comment sections please so the right answer for this question is saffron so the right answer will be saffron okay next question is on kheer bhavani devotees seek blessings of home किसकी ब्लेसिंग्स जो है खीर भवानी जो टेम्पल है वहाँ पर किसकी ब्लेसिंग्स लोग लेते हैं तो किसकी लेते हैं कुल देवी इज द राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज खीर भवानी टेम्पल इज सिचुएटेड इन खीर भवानी जो टेंपल है वो कहां पे सिचुएटेड है क्या वो जम्मू में है इज दैट इन गांधरबल इज दैट इन किश्तवाड़ और दैट इज इन जोड़ा सो इफ यू नो द आंसर यू राइट इट इन सो इफ यू नो द आंसर यू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इट इज़ सिचुएटेड इन गांधरबल खीर भवानी टेम्पल जो है वो गांदरबल में सिचुएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम मैथो नांगरंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन इज़ दैट सेलिब्रेट इन जम्मू इज़ दैट सेलिब्रेट इन कश्मीर इज़ दैट सेलिब्रेटेड इन डोडा और दैट इज़ सेलिब्रेट इन लद्दाख सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी मैथो नागरंग फेस्टिवल is celebrated इन लद्दाख विच यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन Where was लाल दद born? ऐसे questions भी आ जाते हैं तो इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन भी डाला हुआ इसमें तो लाल दद जो है वो कहाँ पैदा हुई थी मतलब पांड्रे जिसको पुराना दिस्तान भी कहते हैं ठीक है यहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था शी वज़ बॉर्न हीय बॉर्न हीयर ओके नेक्स्ट Hamis uh, festival is celebrated in the month of is it celebrated in april is it celebrated in may or is it celebrated in june or it's celebrated in july so Hammis festival is celebrated in april so april will be the correct answer question number 20 and the last question फॉर टुडे इज़ विच फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेट आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान रमज़ान के मंथ के बाद ये आपको ज़रूर आता होगा तो रमज़ान के मंथ के बाद हम कौन सा जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो इसका आंसर आप ही मुझे कमेंट्स में बताएंगे इसका आंसर इसका आंसर जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आई होप आपको आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा अगर आपको आज का वीडियो मैंने आज तक आपको लाइक करने को नहीं बताया है तो आप कमेंट्स में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक like करके भी आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो